हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम लोग आपसे बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर की, जो रहेगा हमारा सोशियोलॉजी का। ठीक है, जैसे आप सबने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, तो ये रहने वाला है हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है। ठीक है, उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और आप जैसे सबने कोड देख लिया होगा, 501 है, इट मीन्स ये है हमारा फिफ्थ सेमेस्टर वालों का। ठीक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर और ये CLU जम्मू जो है हमारी, इसके अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो कि UG का कोर्स ऑफर करते हैं, सो उन सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहेगा, पेपर का टाइटल रिलीजन एंड सोसाइटी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन पेपर होता है। मिनिमम आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं 48 रिक्वायर्ड होते हैं। कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे, 1SOCDE0501। टाइम आपके पास 3 घंटे होता है, ठीक है, इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। बाकी ये बात है कि अगर किसी को भी क्वेश्चन पेपर चाहिए और कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो पहली बात तो ये है कि आप एक बार जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और वहाँ पे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू है ना, उसके सारे के सारे मैक्सिमम पेपर्स वहाँ पर अपलोडेड हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी है अपनी क्वेरी ज़रूर रखें। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो है वो हेल्प की जाए। ठीक है, उसके बाद लिख रखा है इन्होंने कि नोट सेक्शन ए, कहता है कि ए सेक्शन जो है वो कंपलसरी है। बी सेक्शन के अंदर क्या होगा कि आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं, इक्वल मार्क्स। और अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो जो हमारा सेक्शन ए है ना, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं 1 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो आपको करना ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप पहला देखो यहाँ पे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पहला कहता है कि डैश इज़ एन एटीट्यूड टुवर्ड गॉड, तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे शॉर्ट दिखेंगे, जैसे आपको कोई जो है वो बताना है कि हु हैज़ रिटन द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, तो किसने लिखा था। फिर कहता है नेम, जो एमिली डकिंस थे, इनकी थ्योरी ऑफ रिलीजन जो है वो, उसका अपना नाम बताना है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का ये भी। उसके बाद कहता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म है इसके फाउंडर कौन है, इनके बारे में आपको लिखना है। फिर कहता है हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ एनिमिज्म, ठीक है, ये किसने दी थी, ये भी 1 मार्क्स का है। फिर कहता है इज एसेंशियल बिलीफ इन द स्पिरिट ऑफ डेड, ठीक है, तो ये बिलीफ होता है कि जो मर गया है उसमें भी आत्मा होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि उस बिलीफ को क्या कहते हैं, नहीं क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद अपन लोगों के यहाँ पे आ जाएंगे 1 मार्क्स का फिर से, कि लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है, दुनिया का धर्म सबसे जो बड़ा है। फिर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स जो नोन एज इन डिफरेंट रिलीजियस में, ठीक है, अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग। फिर रिलीजन जो है वो डिफाइन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक जो थे क्वेश्चंस ना, ये सारे के सारे क्या थे, 1 मार्क्स के। ठीक है, इसके आगे हमारे जो भी क्वेश्चन शुरू होंगे वो सारे 3 मार्क्स का ईच होगा। ठीक है, जैसे कहता है कि नेम एनी 3 थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो जो ओरिजिन है रिलीजन का, इसके आपको कोई 3 थ्योरीज जो है वो उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो हमारे 3 मार्क्स का ईच है। सेकंड का मतलब क्या होता है, फिर कहता है कि राइट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन जो होते हैं उसके 3, रिलीजन जो है धर्म है इसके 3 जो मेजर कंपोनेंट हैं इनके बारे में आपको लिखना है। फिर कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टोटम क्या है, ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का है। डिफाइन रिचुअल्स एंड बिलीव्स, ठीक है, तो आपको डिफाइन करना है। तो ये जो थी हमारी कंप्लीट सेक्शन ए कंप्लीट होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या थे 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, सारे कर रहे हैं आपको, पेपर बिल्कुल आसान होता है, पढ़ के चाहो अच्छे से। फिर हमारी यहाँ से होती है सेक्शन बी स्टार्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है सेक्शन ए के अंदर, वहाँ पे सारे करने थे। बी के अंदर क्या है, हर यूनिट से 2 आए होंगे, ठीक है, आपको कोई ए करना है और हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है इक्वल मार्क्स। जैसे अपन लोग यहाँ पे देखें यूनिट नंबर 2, 2 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, ये देखो 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है ना वो डिवाइडेड हो सकता है ए बी पार्ट के अंदर। जैसे अगर हम देखें तो ए पार्ट जो है कहता है डिस्कस द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन इन डिटेल, तो डिटेल के अंदर जो है वो आपको डिस्कस करनी है जो सबसे पुरानी थ्योरी है रिलीजन की, और डिफ्रेंशिएट करना है इट विद, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे ये अलग है एनिमिज्म से। ठीक है, तो ये 18 मार्क्स का है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक क्वेश्चन जो है हमारा 24 मार्क्स का है। ठीक है, फिर ये शॉर्ट पार्ट इसका कहता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टोटम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, के साथ आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है कि क्या मतलब है इसकी टोटम का। ठीक है, ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, शॉर्ट पार्ट। उसके बाद इसके साथ चॉइस आ जाएगी, सेम यूनिट से क्वेश्चन है सेकंड से, कहता है कि डिफाइन करो एंड डिस्कस करो एनिमिज्म इन डिटेल, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे के, उदाहरण देके आपको जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो एनिमिज्म को डिस्कस करना है और डिफाइन करना है। फिर कहता है बी पार्ट डिस्कस एनिमिज्म एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो आपको डिस्कस करना है कि एनिमिज्म जो है वो एक आकार है रिलीजन का, धर्म का कैसे।
तो ये 6 मार्क्स का हो गया, ऊपर जो है लॉन्ग पार्ट 18 का, तो यानी एक क्वेश्चन जो है हमारा 24 मार्क्स का, आप सबको पता है सिलेबस से, आप सारे जो है वो बाकी वो। फिर उसके बाद क्या आता है यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है, तो यूनिट नंबर थर्ड से भी 2 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो सकता है, जैसे ये लॉन्ग पार्ट है, शॉर्ट पार्ट है। कहता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमी, ठीक है, तो जो इकोनॉमी है या इसके और रिलीजन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपको बताना है, जो कि एक्सप्लेन करा था मैक्स वेबर ने, ठीक है। फिर इसका शॉर्ट पार्ट आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है, प्रोफेन क्या है और सैक्रेड क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है आपको। 6 मार्क्स का है लॉन्ग पार्ट, 18 मार्क्स का है टोटल हमारा, 24 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ चॉइस, ठीक है, कहता है कि एक्सप्लेन द नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ सैक्रेड एंड व्हाट इज प्रोफेन, ठीक है, इसके साथ है ये, आपको पहले नेचर बताना है, फिर क्वालिटीज़ क्या है सैक्रेड की, उसके बाद कहता है कि प्रोफेन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, 18 मार्क्स का है। फिर उसके बाद शॉर्ट पार्ट आ जाएगा बी, कहता है कि राइट अ शॉर्ट नोट लिखना है आपको ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर थर्ड से, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाएगा यूनिट नंबर फोर, यहाँ से भी आपको आए होंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है, एंड आपको कोई ये करना है, जैसे कहता है कि लॉन्ग पार्ट डिस्कस द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हिंदुइज्म इन डिटेल, तो डिटेल के अंदर आपको जो है वो क्या विशेषताएँ हैं, क्या गुण हैं जो हिंदू धर्म है या हिंदुइज्म है, ठीक है। इसके बाद इसका शॉर्ट पार्ट आ जाएगा एक्सप्लेन द रोल ऑफ चर्च इन क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो है वो चर्च का क्या रोल है, क्या भूमिका है इसकी, ये आपको लिखना है। 6 मार्क्स का है ये, 18 मार्क्स का लॉन्ग पार्ट है, आप सबको पता है, 24 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन है। इसके साथ चॉइस आ जाएगी कि एक्सप्लेन इन डिटेल इंपॉर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू इस्लाम, तो इस्लाम धर्म के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके बारे में आपको जो है डिटेल के अंदर लिखना है। फिर कहता है इसका शॉर्ट पार्ट कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ सिखिज्म, जो सिख धर्म है इसके क्या मेजर फीचर्स हैं। फिर अपना आ जाएगा यूनिट नंबर फिफ्थ, यानी लास्ट यूनिट, ठीक है, तो यह लास्ट यूनिट के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे भी एक ही करना है। कहता है कि एक्सप्लेन फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म को एक्सप्लेन करना है एंड सेकुलरिज्म को एज रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये रिलीजियस में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है, ये आपको बताना है, और इनकी क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसका शॉर्ट पार्ट आ जाएगा कि शॉर्ट नोट लिखना है आपको फंडामेंटलिज्म के ऊपर। इसके साथ चॉइस आ जाएगी, कहता है कि एक्सप्लेन सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म क्या है इसको एक्सप्लेन कराओ और डिस्कस करो इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं। फिर इसका शॉर्ट पार्ट आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनलिज्म, तो कम्युनलिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो आप सबको यहाँ पे एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि लेवल क्या होता है पेपर का, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आता है भाई लोग, और आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, बाकी आपको यहाँ से एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। एंड वंस अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो पहली बात तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाओ, विजिट करो, ठीक है, और बाकी आपको बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। मतलब अगर आप पेपर देख लेते हो तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है। मैक्सिमम मैं एक बात करता हूँ कि क्या होता है कि 50% ऑफ द चांसेस होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना अपने, वही रिपीट होते हैं, ठीक है, वहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।